को अहम खबर दें। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर पंजाब के तमाम सदूर का अहम इजलास हुआ है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की खुसूसी शिरकत। पंजाब में सनतों को फरोग देने पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर भी किया गया है। अब्दुल कादिर मदनी से मजीद बात करेंगे। कादिर मदनी, इस इजलास के अहवाल के हवाले से हमें आगाह करें। जी बिल्कुल, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पंजाब के तमाम अजला के चैम्बर के सदूर का अहम इजलास हुआ है। इजलास की सदारत चेयरमैन फेडरेशन लाहौर अब्दुल रऊफ मुख्तार ने की। इजलास में सूबाई वजीर सनत और तजारत पंजाब मियां असलम इकबाल ने खसूसी शिरकत की और इस मौके पर चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप मलिक इफ्तिखार अली, साबिक रीजनल चेयरमैन मंजूरुल हक मलिक, जबकि गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान, रहीम यार खान समेत तमाम के दिगर अजला के तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों ने शिरकत की और इस मौके पर शुरका ने सूबाई वजीर सनत तो तिजारत मियां असलम इकबाल को सनतों को दरपेश मसाइल के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि किस तरह पंजाब की सनतों को बिजली की, गैस की और दिगर मसाइल जो है दरपेश हैं, जिस पर सूबाई वजीर सनत और तिजारत का कहना था कि पंजाब सनतों के फरोग के लिए भरपूर इकदाम कर रहा है और पंजाब में बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के लिए भी तमाम सहूलियात फराहम की जा रही है। और उनका यह भी कहना था कि हुकूमत सनतकारों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने को तैयार है ताकि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां जो है वो फरोग पा सकें और पा सके। उनका यह भी कहना था कि सनतकारों को जो मसाइल हैं वो तहरीरी तौर पर पंजाब हुकूमत को दें ताकि आइंदा बजट में उनकी तजावीज़ को भी शामिल किया जा सके। जी ठीक है, आइंदा इजलास में तजावीज़ को पर गौर किया जाएगा। शुक्रिया एक्यू मदनी।